चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमें किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें MSP गारंटी कानून दे दो। दवाई लावा घर में बच्चों की, बंदर ले जाए ठेक। खेत में कुछ हमारे बच नहीं रहा, भाव नहीं किसान को कुछ दे रहा, वो भी क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। उसके पास में तो एक वही रहेगा, आत्महत्या कर लगा, अपने बच्चों को मार लगा, और क्या कर लगा, किसान को कुछ बच रहा। किसान क्यों यहाँ पे धरने पर बैठा है, क्या दिक्कत है किसान को हो रही है? बंदरों की है, बछड़ों की है, खेती जाहिर थी गाँव में जाकर मार गिरे बंदरों ने। दिक्कत क्या है, और बिना दिक्कत के बैठते हैं यहाँ से। बंदर क्या करते हैं, कपड़े लोग भी नहीं छोड़ते, फिर आदमियों के बजियों के रसोई में से सारा सामान काटा खा लें, फ्रिज भी खोल लें तो हर जाग तो कितने की बात वेट गिरी टंग के भरवा रखे। किसान की हर चीज बाहर खुले में पड़ी, किसान की फसल खुले में है, किसान पड़ा खुले में, हम यहाँ रात को सो रहे खुले में, किसान के पास बच क्या रहा? आप मुझे एक बताओ, चारा क्या है हमारे पास सिवाय धरना देने का, और चारा बताओ क्या है। रही बात सुरक्षा की, पहले बोलते थे कि सुरक्षा है, माँ में पता हमारी कितनी सुरक्षा है, हम शाम को 6 बजे खेत में पड़ जाए जाकर, और रात को 12 बजे आवे हैं गोर्रों के चक्कर में। अब उन 6 घंटे में हमारा सांप काट लो, बिच्छू काट लो, हमारा से चिपट जो कुछ ही चिपट जो। किसानों के लिए एक योजना आई है, किसान सम्मान निधि योजना, तो उससे किसानों को कितना लाभ मिल पा रहा है उसका? एक किसान का अगर एक साल में औसतन 10 रुपये क्विंटल बढ़ता, 10,000 बढ़ गए 1,000 क्विंटल पर, 6,000 मिल रहे, 10,000 का हमारा फायदा हो रहा, 4,000 उल्टे सरकार पर और हमारे बैठ रहे। हमें किसान सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमें MSP गारंटी कानून दे दो, हमें गन्ने का जो रेट है कम से कम 500 रुपये क्विंटल दे दो, हमें स्वामीनाथन रिपोर्ट दे दो, हमें आप कहीं तो खालिस्तानी बोलते हो, कहीं पाकिस्तानी बोलते हो, कहीं बोलते हैं तो कनाडा से फंडिंग आ रही, कहीं फलाना फंडिंग आ रही, ढिमकाना फंडिंग आ रही। अरे भाई मरता क्या नहीं करता, क्या भीतर घूमिया तो कुछ नहीं है। किसान कैसे गुजारा कर रहा है? दिक्कत है रही बहुत ज्यादा भाई, दवाई लावा घर में बच्चों की, बंदर ले जाए ठेक, देने भी नहीं देते, 500 रुपए की दवाई ले और बच्चों की ले गए ठेक, पन्नी की पन्नी जुके तू बखार में जुके तू, बच्चे मेरे डर डर घर में बैठा है, बड़बड़ बहुत परेशान हो रहे हम तो। छोटे किसान है, कुछ नुकसान हो रहा? कुछ नुकसान नहीं रहा भाई, खेतों में रख तो फिर है बच्चे मेरे, साफ खाओ, सिलेंडर खाओ, कुछ ही खाओ, एन का कोई चलटी पैट दो एक फिर है खेतों में फैरा देते। अच्छा, जैसे बंदर अचानक हमला कर दे तो क्या ऐसी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा है गांव में कि वहीं पे इलाज हो जाए? नहीं नहीं नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं है, उसके लिए ननौते ही आना पड़ेगा। मुझे ये नहीं पता ननौते में वो फैसिलिटी है कि नहीं, नहीं तो फिर सहारनपुर जाना पड़ेगा। तो ऐसे कोई फैसिलिटी नहीं है गाँव में कि मतलब बंदर काट जाए या मतलब कुछ भी चोट लग जाए, अचानक हादसा हो जाए, गाँव में कोई फैसिलिटी नहीं है ऐसा। खेत में कुछ हमारे बच नहीं रहा, भाव नहीं किसान को कुछ दे रहा, वो भी क्या कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। इतना तो अडानी अम्बानी इसके बेटे हैं, उनसे वही राज कर रहे हैं और हमें सब कोई चौकीदार बता रहा है। लेकिन महिलाओं के इतने तो काम कर रहे हैं, यहाँ सिलेंडर के फोटो लगा रखे हैं कि इतने गरीब परिवार को दे दिए, कर दिए तो दे रहे हैं, उसे दे दिया हमें एक बार 1,000 रुपये का सिलेंडर, उसके बाद भरवाता क्यों नहीं हो, हमें खाली को दे कहाँ जहाँ फिर ले गए। हम तो देखो कुछ तो संपन्न है, ऐसे भी तो है जिनके लिए संपन्न नहीं है, उन्हें तो चाहिएगा ना कहीं से कहीं, गरीब आदमी कैसे लाएगा। इलेक्शन भी नज़दीक आ रहा है और जगह जगह मणिपुर जैसी घटनाएं, नू जैसी घटनाएं लगातार हो रही है, तो इसके पीछे क्या
वही जो मुजफ्फरनगर का दंगा उन्होंने पिछले उसमें इलेक्शन में करवाया था, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में ऐसा चाह रहे हैं एक ऐसा ही दंगा एक और कर दिया जा सत्ता लेने के लिए, वोट बटोरने के लिए, और इनका कोई फंडा नहीं है, इनका और कुछ नहीं है, इन्हें देख रहा है तुम जाने हो जो यह पार्टी अभी बनी है इंडिया के नाम से सारी मिला के, अगर ये सही गठबंधन करके चलेगी तो ये अपने आप ही साफ हो जाएंगे, और इनके फंडे को जो ये दंगा करवाने का फंडा है वो जनता जान चुकी है, और ये धरना प्रदर्शन इतना ही चलेगा इतने हमारी ये समस्या हल नहीं करते, अधिकारी कोई भी हो जिले का कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब आश्वासन नहीं दे रही। किसान आज की स्थिति में कहाँ खड़ा है? बिल्कुल कगार पर खड़ा, बिल्कुल कगार पर खड़ा, और जो कोई उसके पास में कोई बोला है ऊपर से बैंक वालों के जो ये क्रेडिट कार्ड बना रहे इनके दबाव हैं, बिजली के बिल के दबाव हैं, कहाँ से देगा किसान, कैसे पूर्ति कर देगा उसकी, उसके पास में तो ये कोई रहेगा आत्महत्या कर लगा, अपने बच्चों को मार लगा, और क्या कर लगा किसान पर कुछ बच रहा? पहले देख लगे अगर पेंट की तरह चेक करवा दूंगा।